चलिए आज बनाते हैं खजूर की बर्फ़ी। खजूर की बर्फ़ी जो मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है, इसे मैं इजीली हम लोग घर में बना सकते हैं। मैंने लिया है खजूर जो पैकेट में आता है, उसके बीज मैं निकाल दूँगी, सारे के बीज निकाल देना है। बहुत ही इजी बनती है और बहुत ही हेल्दी। शुगर वाले तो बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, जो भी मिठास है इसके खजूर से ही है। बस सबके बीज में अच्छे से निकाल दूँगी। और इतना महंगा मिलता है ये मिठाई मार्केट में, आप एकदम आराम से इसे घर में बना के आप किसी फेस्टिवल में या गेस्ट को या खुद भी इसे आप लोग खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए मैं सारे खजूर के बीज को निकाल दे रही हूँ, ऐसे मैं सबको निकाल दूँगी। मैंने लिया थोड़ा सा खसखस और ये सूखा नारियल, ये ऑप्शनल है, और ड्राई फ्रूट, आपको जो जो ड्राई फ्रूट जितने ड्राई फ्रूट आपको पसंद है सब आप ले सकते हैं। बस बहुत इजी, इसे मैं साइड कर दूंगी, सबके बीज निकाल दी। अब इसे मिक्सी में हम लोग को खजूर को बिना पानी डाले इसे पीसना है, अच्छे से पीस जाता है। बस ध्यान दीजिए कि बीज ना रहे। देखिए मैं इसमें ढक्कन लगा दी और इसे अच्छे से पीस लेंगी। ये देखिए पीस चुका है, देख सकते हैं। अब देखिए पीस थोड़ा सा ठीक हो जाता है, पर इसे हम लोग हाथ से निकाल सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई गरम किया है जिसमें मैं डालूंगी देसी घी। घी भी बिल्कुल थोड़ा सा लगता है, आधा टीस्पून के करीब, क्योंकि इसमें हम लोग को ड्राई फ्रूट फ्राई करना है। ड्राई फ्रूट में आप सब ड्राई फ्रूट लीजिएगा, आप छुआरा मत लीजिएगा। मुझसे गलती हो गई, मैंने छुआरा डाल दिया था क्योंकि वो हार्ड रहता है, तो इस थोड़ा सा कटिंग करने में दिक्कत होता है। खाने में तो कोई टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, पर जो जब कटिंग करते ना थोड़ा सा दिक्कत आता, तो आप छुआरा को अवॉइड करिएगा उसमें। ड्राई फ्रूट को मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। घी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैं थोड़ा सा और घी डाली हूँ, देसी घी डाली हूँ मैं, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। बस अब मैं डाल रही हूँ सूखा नारियल, कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैं बारीक बारीक चॉप करके से डाल रही हूँ। आप कद्दूकस करके डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा। वैसे लो फ्लेम पे मैं अच्छा सा फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ खसखस, पॉपी सीड्स, इससे बहुत ही टेस्ट बढ़ता है इसका, और इस मिठाई में तो डलता ही है। अब इसे मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी, जब थोड़ा सा चटकने लगे तो इसे हम लोग निकाल देंगे। देखिए हल्का सा चटक रहा है क्योंकि हाथ में छिटाता है, चटकता है, तो अभी हो चुका। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ खजूर, जो हम लोगों ने मिक्सी में पिसा था उसे डाल देंगे। ना इसमें दूध ना पानी कुछ भी नहीं ऐड करना है। आप इसे कितने दिन भी रख सकते हैं, अगर दूध या पानी ऐड करेंगे तो आप ख़राब होने का डर है। अब इसमें दूध पानी कुछ मत ऐड करिए, बस इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट तक, इसे लो फ्लेम 1 मिनट के लिए आप इसे लो फ्लेम पे फ्राई कीजिए। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दीजिए क्योंकि कढ़ाई गर्म है, उसमें अच्छा सा ये फ्राई हो जाएगा। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, अब इसको अच्छे से, कई लोग इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं, पर दूध मत ऐड करिए क्योंकि ख़राब होने का डर है। आप ऐसे इस मिठाई को बनाएंगे तो आप कितने दिन भी आप रखें ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। दूध या पानी आप अगर ऐड करेंगे तो इसे तुरंत ख़त्म करना होगा, फिर ये फफूंद लगने का डर है, और इसमें ये फफूंद लगने का डर नहीं है। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई, आप लोग खजूर की मिठाई तो देखे होंगे मार्केट में, मिठाई शॉप में हमेशा लगी रहती है, बस वो इसका प्रोसेस यही है। बस ये अच्छा सा फ्राई हो गया, इसे मैं गैस को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, इसलिए मैं चला रही हूँ ताकि, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है, नीचे लगे ना और ओवर कुक ना हो जाए। बस ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद इसे मैं अच्छा सा मसल लूँगी हाथ से। आप चाहे तो बटर पेपर भी ले सकते हैं, मैंने ये एल्युमिनियम शीट लिया है, आप चाहे तो बटर पेपर ले सकते हैं, आप जो पेपर हो आप लेके। इसमें मैं देखिए थोड़ा सा डाल रही हूँ खसखस, आप पिस्ता है तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी इस टाइम तो मैंने नहीं ऐड किया। अब इसे पूरा अच्छे से इसे खसखस को इसमें लगा देंगे। आप लोगों ने देखा होगा ऊपर से खसखस अच्छी मात्रा में लगे रहते हैं, इसका टेस्ट भी इसके कारण बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसे रोल कर दूंगी, अच्छे से रोल करके फ्रिज में रखूंगी। तकरीबन मैं आधा एक घंटे के करीब इसे मैं फ्रिज में रख रही हूँ, अच्छा से इसे सेट कर लूंगी ताकि कटिंग करे तो पीसेस अच्छा से आए। इसे मैं
फ्रिज में रख दूँगी। फ्रीजर में रखना, फ्रिज में रखना। मैंने एक घंटा तक इसे फ्रिज में रख के निकाली हूँ। अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं ऊपर से इसे कट कर दूँगी। बस ऊपर से कट करो। मुझे थोड़ा सा काटने में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसमें छुहारा डाल दिया था, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है और छुहारा फ्राई होने के बाद और थोड़ा सा हार्ड हो गया। बाकी टेस्ट उसका बहुत ही अच्छा आ रहा था छुहारा का, बस थोड़ा सा कटिंग में मुझे दिक्कत आई। तो छुहारा तो बिल्कुल मत डालिएगा। तो साइड वाला मैंने काट लिया है। अब सारे पीस को मैं ऐसे ही काट लूँगी। अगर छुहारा नहीं डलता तो ईजिली बहुत आराम से कट जाता है, क्योंकि इसमें तो ड्राई फ्रूट है और ये खजूर है। एकदम आराम से ये नरम नरम कट जाते हैं। छुहारा के कारण मुझे थोड़ा सा काटने में दिक्कत हो रही है। देखिए सबको मैंने कट कर लिया है। और जितना एल्युमिनियम कवर था उसे मैं निकाल दूंगी। देखिए सारे कट चुका। देखिए पीस पूरा मिठाई का बहुत ही टेस्टी बना है। अब इसीलिए आप इसे घर में बना सकते हैं। रेसिपी को इसी बार इसी मेजरमेंट से आप ट्राई कीजिएगा। वाकई सबको अच्छे लगेंगे, बच्चे बड़े सबको। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप बनाओगे तो बचेगा ही नहीं आपके घर से। बिल्कुल सब इतने शौक से खाएंगे इस मिठाई को। रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कोई अच्छी सी और रेसिपी के साथ मैं आप फिर आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू।